नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ग्लॉकोमा में लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में। मुझे यकीन है कि आपने लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। कई बार डॉक्टरों ने आपकी आंखों को जांच करके आपको बताया होगा कि आपकी आंखों को लेज़र की ज़रूरत है इस तरह के काले मोतिया को ट्रीट करने के लिए। तो आज हम इसी प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि ये प्रोसीजर करना क्यों ज़रूरी है, ये किन मरीज़ों में किया जाता है और इसको किस प्रकार किया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनकी आँखों की लेंस के आगे की आँखों की बनावट कम होती है, एक हमारी आँख में जो पानी बनता है वो लेंस के पीछे वाले हिस्से से उस जगह से लेंस के आगे आता है। अगर वह जगह किसी भी कारण से छोटी हो जाए, या तो वो बचपन से ही छोटी होती है, या फिर जैसे जैसे आपका प्लस का नंबर बढ़ता जाता है या आपके लेंस का साइज अगर बढ़ रहा है सफ़ेद मोतिया के कारण, तब भी वह जगह छोटी हो सकती है। तो अगर किसी भी कारण से वो जगह छोटी हो जाती है तो जो पानी है वो पीछे से आगे की तरफ आसानी से नहीं आ पाता, और इसी कारण से पानी जो है वो पीछे इकट्ठा होता रहता है आँख में। और जाहिर सी बात है, अगर पानी कहीं पे इकट्ठा होता रहेगा तो उस जगह का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो यही चीज़ आँख में भी होती है, अगर उस पानी को बाहर निकलने की जगह नहीं मिल पाती तो वह पानी पीछे इकट्ठा होकर धीरे धीरे आँखों का प्रेशर बढ़ाने लगता है, और ये प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आँख की नस को भी ख़राब करने लगता है। इसमें यूजुअली शुरुआत के चरण में तो मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर अचानक से वो जगह पूरी तरह से बंद हो जाए और अचानक से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 50 या 60 तक अगर प्रेशर पहुंच जाए, तो इसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा आँखों में दर्द महसूस होता है, आँख पत्थर की तरह एकदम ठोस हो जाती है, उसको उल्टियाँ आती हैं, आँख पूरी तरह से लाल हो जाती है, सर में बहुत दर्द होता है। तो ये सब लक्षण उसको देखने को मिल सकते हैं। इस पड़ाव तक ना पहुंचे मरीज, उससे पहले ही जो है इसी चीज़ को बचाने के लिए, इसको हम एक्यूट एंगल क्लोजर अटैक बोलते हैं, इसी चीज़ को बचाने के लिए जो है हम ये लेज़र करते हैं, जिसका नाम है यैग लेज़र पेरिफेरल आयरिडोटमी। तो इस लेज़र में हम क्या करते हैं, ये एक ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। इसमें सबसे पहले तो इसमें मरीज की जांच की जाती है गोनियो लेंस से, जिसमें हम वो जगह को देखते हैं कि वो जगह कितनी पतली है या कितनी छोटी है, उसमें उसके कारण जो है बाद में फ्यूचर में काला मोतिया का अटैक आ सकता है या नहीं। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि उससे जो है काले मोतिया का या एक्यूट एंगल क्लोजर का अटैक मरीज को आ सकता है, तो वह आपको ये लेज़र एडवाइस करेगा। इस लेज़र में एक मशीन पर आपको बिठाया जाएगा, लेज़र के द्वारा जो हमारी आँख का भूरा हिस्सा है उसमें एक छोटा सा छेद बनाया जाता है, और ताकि जो पानी है वो उस जगह से ना निकल के इस छोटे से छेद के थ्रू जो है बाहर आए, और अगर एक बार पानी आसानी से बाहर आने लग जाता है तो ये जो है आपका आँखों का प्रेशर भी कंट्रोल करती है। ये प्रोसीजर से डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही छोटा प्रोसीजर है, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, 5 मिनट में जो है एक आँख में यूजुअली किया जा सकता है। ये एक पेनलेस प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को करने से पहले जो है आपको टेक्नीशियन एक पाइलोकार्पिन नाम की ड्रॉप है वो 15-15 मिनट में 3 बार दोनों आँखों में डालते हैं, ताकि जो भूरा वाला हिस्सा है आयरिस जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा खिंच जाए और ये लेज़र करने में हमें आसानी रहे। दोस्तों, साथ ही ये जानना भी ज़रूरी है कि ये गोनियो लेंस के द्वारा जो टेस्ट है वो यूजुअली एक ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट से किया जाता है, और उसके बाद अगर आपको ये लेज़र की एडवाइस किया गया है तो ये बेहतर रहेगा कि आप अपने काले मोतिया विशेषज्ञ से मिलें और उन्हीं से ये लेज़र का जो है वो ट्रीटमेंट कराएं। वैसे तो यैग लेज़र PI काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखी जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के लिए लेज़र के बाद इसमें मरीज को थोड़ा धुंधला दिख सकता है, कई बार उनको जो है डबल विजन यानी डिप्लोपिया हो सकता है, थोड़ा बहुत दर्द रह सकता है, आँख कभी कभी लाल रह सकती है। तो इसके लिए भी कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें लेज़र के बाद आपको जो आपके डॉक्टर हैं वो कुछ मेडिकेशंस, कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, अगर आप वो मेडिसिन अच्छे से डालेंगे तो यूजली ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। धन्यवाद।